बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक आपको नई अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि रिलेटेड टू यूके है। यूके ने कुछ चेंजिंग की है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वीजे से रिलेटेड, कुछ उनकी इमिग्रेशन से रिलेटेड, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड। मीन्स जो मेन फोकस है वो ट्रैवल्स है, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ चेंजिंग की है और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यकम अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको पता है जैसे जैसे ब्रेग्जिट हुआ है, जो जो सिचुएशन चेंज हुई है यूके में आफ्टर जो है ब्रेग्जिट, कैसे कैसे क्लोज फैमिली मेंबर या ये फैमिली मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, या उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या उनकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हमने कोशिश की आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड की जाए। इससे इस चैनल से पहले जो हमारा जो मेन चैनल है डीक्यू कंसल्टेंट, वहाँ पर तो मैं काफ़ी अरसे से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने जो चैनल डीक्यू यूके ये स्पेसिफिक यूके के लिए बनाया ताकि मेरी ऑडियंस को जो मेरी व्यूवरशिप है वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर उन्हें सारी चीज़ें मिल जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। इस अपडेट में ये है कि 1 अक्टूबर से यूके में जिन्होंने इंटर होना, मींस यूरोप में से यूके में जिन्होंने भी इंटर होना है, तो पहले ये हुआ करता था जस्ट आईडी कार्ड या रेजिडेंट परमिट दिखाया करते थे तो वो इंटर हो जाया करते थे। बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है, यूके होम ऑफिस जो यूरोपीय यूनियन को एज अ जिसरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या ये फैमिली मेंबर्स थे मींस के जो एशियंस से जिस तरह उसको वो डील करते थे, जिस तरह यूरोपीय यूनियन वालों को डील करेंगे। मींस के 1 अक्टूबर से जितने भी यूरोपीय नेशनल हैं अगर उन्होंने यूके में ट्रैवल करना है चाहे किसी भी पर्पज से रिलेटेड हो तो उन्हें अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये एक बिग अनाउंसमेंट है, ये हमें पता था ये आनी है कि जब भी आनी है, हमें पता था फ्यूचर में आनी है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो है अब 1 अक्टूबर से जितने भी यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं उन्होंने अगर यूके में ट्रैवल करना है, वीज़ा हो किसी से भी रिलेटेड वीज़ा हो, तो आईडी कार्ड जो आइडेंटिटी कार्ड है आपका, जो रेजिडेंट कार्ड है आपका, उसकी बेस पर आप नहीं जा सकते। आपको पासपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो पूरे तरीके से डाटा एंटर होगा, तो उसी के बाद ही आप जो है यूके में सफ़र कर सकते हैं और उसके बाद आप वापस एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे जो है सोशल लिंक्स हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, मेरा मेन चैनल है डीक्यू कंसल्टेंट, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको दीगर कंट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह मालूमात मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फाइल प्रिपरेशन में या फॉर्म फिलिंग में या रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट आपकी हेल्प करें, हमारी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जितना अच्छा हो सके आपके साथ जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को और मुझे प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।